दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से सच है कि पत्थर भी उसी पेड़ पर चलता है जिस पेड़ पर फल लदे हो। क्या हम कभी किसी सूखी हुई डाली पर बिना फल वाले पेड़ के ऊपर पत्थर चलाते हैं? जी नहीं। तो वही हाल अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने पावर स्टार पवन सिंह का है। दिन प्रतिदिन जितनी ही उनका एज ढल रहा है उसके हिसाब से उतना उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है, और यही वो कारण है कि उनके जितने भी विरोधी हैं, उनके दुश्मन लोग हैं, उनको कंट्रोवर्सी में डालकर उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनको पीछे खींचने की कोशिश करते नजर आ रहा है। पर शायद उनको पता नहीं है कि इन सब चीजों से होने वाला कुछ नहीं है। कहाँ वायरल करी या कहाँ ना करी, उसे पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने बोला ना मेरे लिए। चलिए ये तो कंट्रोवर्सियल बातें हो गई। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात जरूर करेंगे, पर हमने जो ये वीडियो बनाया है जिस उद्देश्य से बनाया है वो कुछ और है। हमने एक चीज नोटिस किया कि यार इतना कंट्रोवर्सी के बावजूद भी अपने पावर स्टार के ऊपर फैंस का प्यार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज देखिए कि हर महीने 1 से 2 गाने 100 मिलियन के लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। आपने धनिया ये जान गाना पता नहीं किसने नोटिस किया कि नहीं, कल ही वो गाना 100 मिलियन प्राप्त कर लिया मात्र 2 महीने में। और यही नहीं दोस्तों, उस गाने ने 100 मिलियन और एक और ही उषा फिल्म्स का जो चैनल है उस पर 50 मिलियन, यानी कि मात्र 2 चैनलों पर 2 महीने में 150 मिलियन व्यू प्राप्त कर लिया। कमाल की बात है कि नहीं भाई, ये तो वीडियो बनाने लायक बात बनता था इसलिए मैंने बना दिया। दूसरा चीज कि अभी जो कलकतिया राजा गाना है वो भी जल्द ही 100 मिलियन क्लब में शामिल होने वाला है। राजा जी सॉन्ग जो था वो रिसेंटली 100 मिलियन क्लब में शामिल हो गया। तो इतना सारा प्यार जिसके ऊपर है उसको किस बात का डर है? क्या कोई वजूद ही नहीं? वजूद क्या है? फटा का रे, मैं जो हूं अब बोलो ना, लेकिन अब 10 दिन का वेट करता हूं, अगर कुछ आया तो बिल्कुल बोलूंगा, और जो मैं बोलता हूं वो सत्य बोलता हूं। हम जो वजूद देखा था यार, हायरे वजूद हायरे तो संस्कार संस्कारों को लता संस्कारों सोचा थी कौन हमारे संस्कार को।